हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास शुरू करते हैं। आपका फिजिक्स फर्स्ट का आज का टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र की है, इसमें एक वैद्युत विध्रुव एपी को रखा गया है, उसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य के लिए हमें व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले हमने एक फिगर को ड्रा किया है, आप लोग देख रहे हैं इसमें एक फिगर ड्रा किया गया है। इसमें ये एक समान वैद्युत क्षेत्र ई दिखाया है और एक वैद्युत विध्रुव ए भी रखा है, जिसकी लंबाई क्लियर, हम लोग जानते हैं कि वैद्युत विध्रुव की लंबाई क्लियर होती है और इसके दोनों सिरों पर बराबर व विपरीत प्रकार का आवेश होता है। ठीक है, तो ये ए सिरे पर पॉजिटिव और बी सिरे पर नेगेटिव चार्ज है, इसकी लंबाई क्लियर है, इसका मध्य बिंदु ये ओ है। इसमें मैंने इसको घुमा दिया है थीटा कोण पर, जैसे ये घुमा तो इसका ए सिरा ए डैश स्थिति में और बी सिरा बी डैश स्थिति में पहुंच जाता है। फिर हमने ए डैश से लंब डाला तो ये ए डैश सी प्राप्त होता है और बी डैश से लंब डाला तो ये बी डैश डी प्राप्त होता है। दोनों लंब है, ये लंब इसलिए डाले गए हैं ताकि दोनों सिरों पर हुआ कुल विस्थापन ज्ञात किया जा सके। आप देख रहे हैं कि ए सिरे पर विस्थापन ए सी और बी सिरे पर विस्थापन बी डी आया है, तो कुल विस्थापन हो रहा है ए सी प्लस बी डी, क्योंकि ए सी और बी डी दोनों बराबर है, इसलिए क्योंकि दोनों सिरों पर बराबर आवेश है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसलिए विस्थापन भी बराबर होगा। तो जब बराबर विस्थापन है तो हमें लगता है कि एक विस्थापन निकाल लिया जाए और दोनों को उसको डबल कर देंगे या दोनों को जोड़ देंगे तो कुल विस्थापन ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही इसको हम प्रूव करेंगे। लेकिन आपने देखा तो फिगर हमने बनाया है, तो एग्जाम्पल को समझाने के लिए पहले क्या करते हैं कि पहले इस फिगर के बारे में, जो हमने फिगर ड्रा किया है, फिगर जो चीज बनाई है उसके बारे में हम कुछ लिखेंगे। क्या क्या है, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत विध्रुव ए बी रखा है, इसे थीटा कोण घुमाने पर या ए डैश बी डैश स्थिति में चला जाता है। आप लोग देख रहे हैं ए बी वैद्युत विध्रुव है, इसे घुमाया गया थीटा कोण पर तो ए डैश में और बी सी बी डैश में चला जाता है। तो घुमाने पर या ए डैश बी डैश स्थिति में चला जाता है, ए डैश व बी डैश से डाले लंब सी व डी पर प्राप्त होते हैं। आप लोग देख रहे हैं जो लंब डाले गए हैं वो सी और डी पर ही प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अब इस प्रकार ए सिरे पर विस्थापन, ये ए सिरे पर विस्थापन ए सी निकल रहा है और बी सिरे पर विस्थापन ये बी डी निकल रहा है, देख रहे हैं बी सिरे पर विस्थापन बी डी प्राप्त होता है। ठीक है, तो इतना हमने फिगर के बारे में लिख दिया है। अब इसको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है, आप हमेशा ध्यान रखें कि जब हमें कार्य याद करना होता है तो फार्मूला याद करने के लिए हम क्या करते हैं, कार्य बड़ा होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल, इसको घुमाने में कितना बल लगाना पड़ा वो बल निकालें, वो पता करें, और कितना विस्थापन हुआ है, टोटल कुल विस्थापन कितना हुआ है, बस दो चीजें पता चल जाएं। तो बल तो हमको ऑलरेडी पता है, हम लोग जानते हैं कि समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा है वैद्युत विध्रुव, आवेश क्यू है, तो लगा बल कितना होगा, F बराबर क्यू ई, तो बल तो पता चल गया। अब चाहिए हमको विस्थापन, तो विस्थापन के लिए कुल विस्थापन चाहिए होता है, तो एक विस्थापन पहले निकाले उसी का डबल कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो हमने क्या किया कि हमें विस्थापन एसी चाहिए, तो एसी के लिए हमने एक त्रिभुज लिया, देखिए हमने लिखा है अब त्रिभुज ओ ए डैश सी में, ये त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ये है ओ ए डैश सी, ये छोटा सा त्रिभुज बना है, थीटा कोण है, और आप जानते हैं कोण के सामने भुजा लंब होती है, तो ये ए डैश सी लंब है, ओ सी आधार है और ये ओ ए डैश क्या है, कर्ण है, और कर्ण ये यल है, क्योंकि पूरा वैद्युत विध्रुव यल होता है, तो ये पूरा यल था और ये भी यल है ओ ई। तो अगर हमें एसी करना है तो हम क्या करेंगे, ओ ए पूरी यल में से इस ओ सी को माइनस कर दें तो एसी निकल आएगा, तो ओ सी हमको पता नहीं है, तो ओ सी पता करने के लिए हमने त्रिभुज लिया है, देख रहे हैं आप त्रिभुज में ओ सी अपान ओ ए डैश बराबर कॉस थीटा, अर्थात आधार बटे कर्ण बराबर कॉस थीटा, आप पढ़ा करते हैं आधार बटे कर्ण बराबर कॉस थीटा, बहुत बेस में जाके आप समझ सकते हैं। तो ये OC बटे OA डैश बराबर cos थीटा, तो OC बराबर क्या आ रहा है, OA डैश cos थीटा, क्रॉस बना दिया गया है। अब आगे OC बराबर L cos थीटा, L क्यों, चूंकि OA डैश का मान, OA डैश का मान L, इसलिए आ गया OC बराबर L cos थीटा।
बड़ी आसानी से मैंने वो सी निकाल लिया। अब हमें चाहिए एसी, एसी कैसे निकालोगे, पूरी ओए में से ओसी को माइनस कर दो, तो वही क्या ए सिरे पर विस्थापन एसी बराबर ओए माइनस ओसी बराबर एल माइनस एल कॉस थीटा। ओए का मान एल है, देख रहे हैं आप लोग ओए पूरा एल है और ओसी का मान निकला है एल कॉस थीटा, मैंने रख दिया है तो एल माइनस एल कॉस थीटा आ गया। अब बस निकाल लेते हैं कार्य, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य लिखेंगे डब्ल्यू ए पर बल गुणा विस्थापन, बल या विस्थापन एसी प्लस बीडी। तो चूंकि हमने बताया कि एसी और बीडी दोनों बराबर हैं इसलिए हम इसको लिख सकते हैं टू एसी या टू बीडी, तो एफ गुणा टू एसी, एफ का मान क्यू ई, मैंने आपको बताया था चूंकि सूत्र होता है ई बराबर वैल्यू से भी लिखता है, वैल्यू से क्या होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है ना, आप भी जानते हैं कि होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू, तो एफ बराबर क्या हो जाता है क्यू ई, इसीलिए मैंने लिखा है एफ बराबर क्यू ई, बात समझ गया ना, तो एफ की जगह पर क्यू ई और टू एसी का मान लिख दिया मैंने यहां से निकाला था एल माइनस एल कॉस थीटा, तो वही एल माइनस एल कॉस थीटा। तो अब इसका एल को हम कॉमन निकाल लेते हैं बाहर और टू क्यू एल, तो टू क्यू एल मैंने लिख दिया है और ये ई बाहर किया वन माइनस कॉस थीटा यहाँ पर बचेगा। हम जानते हैं कि टू क्यू एल किसके बराबर होता है, आप जानते हैं कि P वैल्यू द्विध्रुव का गुण होता है P बराबर होता है 2P, इसीलिए लिखा गया है W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। ये आ गया आपका वैल्यू द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है ऐसे हम याद कर लेंगे। अब जो कार्य किया गया है यही कार्य इसमें एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो अगर कभी ऊर्जा की बात करता है तो उसको हम लिख देंगे, अतः यही किया गया कार्य इसमें एक ऊर्जा के रूप में लिखित गया था U बराबर PE 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। अब इसके लिए विभिन्न स्थितियां हो सकती हैं कि आपने कितना घुमाया है, कितने कोण पर घुमाया है, अलग अलग झुकाव होगा, अलग अलग कोण होगा, आप अलग अलग तरीके से घुमाओगे तो किया गया कार्य का मान अलग अलग आएगा, तो इसके लिए मैंने लिखा विभिन्न स्थितियां इस प्रकार है। ये पहली स्थिति ये थीटा बराबर जीरो है, सो अर्थात ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर रखा है, नहीं घुमाया गया है, तो आप जानते हो किया गया कार्य का मान कितना होगा, तो ये थीटा बराबर जीरो है तो यू बराबर पी ई वन माइनस कॉस जीरो और कॉस जीरो का मान होता है एक, तो आप जानते हैं एक में एक घटा हुए तो जीरो आएगा, तो यू बराबर जीरो अर्थात कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक है। अब दूसरी स्थिति है कि थीटा इक्वल 90 डिग्री, मतलब यह है कि अगर आप द्विध्रुव को 90 से कोण पर घुमा देते हो ऐसे ऐसे था ऐसे ऐसे कर देते हो तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो U इक्वल PE और माइनस cos 90, cos 90 की वैल्यू होती है 0 है ना, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो U इक्वल क्या आ जाएगा PE, U बराबर आएगा PE, cos 90 का मान 0 होता है तो U बराबर PE आ गया। अब तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, इसको हम ऐसे घुमा के पॉजिटिव शिरा यहाँ पर दिया तो ये नेगेटिव शिरा यहाँ आ जाएगा, मतलब 180 से घुमा दें, ये थीटा इक्वल 180 तो U बराबर PE 1 माइनस cos 180 और cos 180 से मान होता है माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो U इक्वल PE 1 प्लस 1 2 तो क्या हो गया U इक्वल 2 PE, ठीक है। ये इससे भी ऊर्जा निकल आई है, इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया और आज की क्लास को अब यहीं पर छोड़ते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपको इसमें एक क्वेश्चन बचा है, वैद्युत एक समान किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के लिए व्यंजक शायद बचा है इसमें, तो उसके लिए हम अगली क्लास में फिर डिस्कस करते हैं, ठीक।